से मैं हूं बुशा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। कनाडा का पनह गुजीनों के लिए बड़ा फैसला। कनाडा ने जमीनी सरहद पनह गुजीनों के लिए बंद कर दी। माहिरीन का कहना है कि सरहद को बंद करना मसले का हल नहीं, मायूसी में इजाफा होगा। कनाडा ने भारत से तिजारती मुज़ाकरात रोक दिए। कनाडा की नज़रें एशिया और हिंद बहरुल काहिल के इलाके के मुनाफा बख्श तिजारती मंडियों पर। कनाडा में मुकीम खालिस्तान की हामी सिख कम्युनिटी मुज़ाकरात के तातुल की बड़ी वजह करार। ऑन्टेरियो में रिहाइश के मसले को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। कैनेडियन हाउसिंग मिनिस्टर की ऑन्टेरियो के वजीर आला डग फोर्ड से मुलाकात। शॉन फ्रेजर का कहना था कि हमने इस तनाज़े को हल नहीं किया जो खबरों में रहा है। G20 इजलास, सदर शी जिनपिंग की अदम शिरकत पर बाइडन मायूस। जो बाइडन का कहना है कि सदर शी से ना मिलने पर मायूस हूं, लेकिन उनसे ज़रूर मिलूंगा। इंडिया और वियतनाम अमेरिका के साथ करीबी ताल्लुकात की ख्वाहिश रखते हैं। रूसी सदर प्यूतिन की तुर्क हम मनसब से मुलाकात, जल्द अहम ऐलान मुतवक्के। तुर्किया के सदर मुलाकात के किसी मुस्बत नतीजे पर पहुँचने के हवाले से काफ़ी पुरुद। अक्वामे मुत्तहदा के जनरल सेक्रेटरी का भी मुहायदे की बहाली की ज़रूरत पर जोर। हेडलाइंस आपने जानी और अब शामिल करेंगे खबरों की तफसील। लॉन्ड्री इज नो लॉन्गर अ हैसल। जस्ट टॉस एन इको फ्रेश डिटर्जेंट स्ट्रिप इनटू द वॉशर फॉर अ कन्वीनियंट इको फ्रेंडली येट पावरफुल वॉश। हाइपोएलर्जेनिक, सेफ फॉर सेंसिटिव स्किन। से नो टू बल्की प्लास्टिक जग्स एंड बॉटल्स। नो मोर मेजरिंग एंड स्पिलिंग। Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। लाइटो इमिग्रेशन इज ए रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट। वी डील इन स्टडी, वर्क, पीएनपी एंड पीआर वीजास, गेट स्टार्टअप वीजास, वर्क परमिट एंड बिजनेस वीजास। वी राइज बाय लिफ्टिंग अदर्स। लाइटो इमिग्रेशन। कनाडा ने पनह गुजीनों के लिए बड़ा फैसला किया है। कनाडा ने ज़मीनी सरहद पनह गुजीनों के लिए बंद कर दी। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा ने पनह गुजीनों के लिए बड़ा फैसला किया है। कनाडा ने ज़मीनी सरहद पनह गुजीनों के लिए बंद कर दी। रवां बरस कनाडा ने अमरीका से दाखिल होने वाले पनह गुजीनों के बहाव को महदूद करने का फैसला किया था। ताहम 5 माह गुजरने के बाद पनह के मतलाशी अफराद की मजमू तादाद में कमी के बजाय इजाफा हुआ। सिर्फ पिछले साल ही 39,000 से ज़ायद पनाह के मतलाशी गैर सरकारी क्रॉसिंग के जरिए कनाडा में दाखिल हुए। ज़्यादातर क्यूबैक में न्यूयॉर्क में रॉक्सम रोड पर कच्चे रास्ते से होते हुए। इस सूरत हाल ने सूबे को शिकायत करने पर मजबूर किया कि वो आने वालों को संभाल नहीं सकता। पनाह के मतलाशियों को अमरीका के मुकाबले में तेज तर प्रोसेसिंग और पनाह की दरख्वास्तों की ज्यादा कबूलियत की वजह से कनाडा की साख की तरफ रागिब किया जाता है। तारिकीन वतन के साथ काम करने वाले लोगों ने बताया है कि बहुत से लोग अब हवाई रास्ते से आते हैं, जबकि दूसरे सरहद के उस पार रुपोश हो जाते हैं जब तक कि वो वापस भेजे जाने के खौफ के बगैर पनाह की दरख्वास्त नहीं दे सकते। आदादोशुमार बताते हैं कि मुल्कों की जानिब से लोगों के लिए दरवाजे बंद करना कितना मुश्किल है और पनाह गुजीनों की आमद हुक्काम के लिए एक चैलेंज से कम नहीं। इस मौसम गर्मा में मुख्तलिफ मुल्कों से आए पनाह गुजीनों टोरंटो की सड़कों पर सोए नजर आए, क्योंकि उनको रिहाइश मैसर नहीं थी। माहिरीन का कहना है कि सरहद को बंद करना मसले का हल नहीं, इससे सिर्फ मायूसी में इजाफा होगा। वाज़ह रहे कि कनाडा पनाह गुजीनों को खुश आमदीद कहता है और 2025 तक 500,000 पनाह गुजीनों को लाने का ख्वाहां है, ताकि मुलाजमीन की कमी को दूर किया जा सके। ताहम ऐसे लोगों की हौसला शिकनी कर रहा है जो अमरीकी सरहद से कनाडा आते हैं और पनाह की दरख्वास्त देते हैं। कनाडा की नज़रें एशिया और हिंद बहरुल काहिल के इलाके की मुनाफा बख्श तजारती मंडियों पर हैं, क्योंकि वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो एक हफ्ते के लिए बैन अल-अक़वामी सरबराही इजलासों और दो तरफा मुलाकातों के लिए खत्ते का रुख कर रहे हैं। मज़ीद जान लेंगे इस रिपोर्ट में।
कनाडा की नज़रें एशिया और हिंद बहरुल काहिल के इलाके के मुनाफे बख्श तजारती मंडियों पर हैं, क्योंकि वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो एक हफ्ते के लिए बैन अल-अक़वामी सरबराही इजलासों और दो तरफा मुलाकातों के लिए खत्ते का रुख कर रहे हैं। ताहम दूसरी जानब कनाडा ने भारत के साथ तजारती मुज़ाकरात फ़िलहाल रोक दिए हैं। माहरीन ने खबरदार किया है कि ट्रूडो को अपने सफ़र के दौरान बहुत ज़्यादा तबलीगी होने से गुरेज करने की ज़रूरत होगी और ये साबित करना होगा कि उनका दौरा सिर्फ फोटो अप नहीं है बल्कि इस बड़े अज़म का हिस्सा है कि कनाडा तवील मुद्दत तक इस खत्ते में रहेगा। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो आइंदा हफ्ते भारत में G20 कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। ज़राए के मुताबिक ओटावा ने नई दिल्ली से तजारती मुज़ाकरात रोक दिए हैं। इस बात की तस्दीक ओटावा में तैनात भारतीय हाई कमिश्नर संजय कुमार वर्मा ने मुकामी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कही। उन्होंने बताया कि ओटावा ने हमसे दरख्वास्त की है कि नए तजारती माहदे के लिए जारी बातचीत रोक दी जाए। भारतीय हाई कमिश्नर ने मुज़ाकरात के तौकफ की कोई वजह नहीं बताई। ताहम बिजनेस काउंसिल ऑफ कनाडा के ज़राए के मुताबिक कनाडा में मुकीम खालिस्तान की हामी सिख कम्यूनिटी की सरगर्मियों पर भारत ने कनाडा से कई बार शिकायत की हैं और ये पहलू दोनों ममालिक के दरमियान तजारती मुज़ाकरात में रुकावट हो सकता है। ट्रूडो का पहला पड़ाव 4 सितंबर को जकार्ता में होगा, जहां वो इंडोनेशिया के सदर जोको विदोदो से मुलाकात करेंगे और जुनूब मशरकी एशियाई ममालिक के एसोसिएशन में शिरकत करेंगे, जो कि 10 ममालिक के ग्रुप की हैसियत से कनाडा के चौथे बड़े तजारती पार्टनर की नुमाइंदगी करते हैं। 6 सितंबर को वो सिंगापुर जाएंगे और वज़ीर आज़म ली हसन लॉन्ग और कारोबारी रहनुमाओं से 2 दिन मुलाकात करेंगे। वो G20 सरबराही इजलास के लिए नई दिल्ली हिंदुस्तान में 2 दिन के साथ इस दौरे का इख्तिताम करेंगे, जहां वकालत करने वाले ग्रुप मग़रिबी ममालिक पर जोर दे रहे हैं कि वो G20 समिट के दौरान इंसानी हकूक के मसाइल को उठाएं। कुछ माहरीन का कहना है कि मईशत पर तवज्जो मरकूज़ करके कनाडा की बेहतरीन खिदमत की जाएगी। कनाडा के वफाकी वजीर हाउसिंग शॉन फ्रेज़र ने कहा है कि जुमेरात को वज़ीर आज़म और उनके सूबाई हममनसब के साथ मुलाकात में ग्रीन बेल्ट पर ख़ास तौर पर तबादला ख्याल नहीं किया गया था। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। कनाडा के वफाकी वजीर हाउसिंग शॉन फ्रेज़र ने कहा कि जुमेरात को वज़ीर आज़म और उनके सूबाई हममनसब के साथ मुलाकात में ग्रीन बेल्ट पर ख़ास तौर पर ख़िताब नहीं किया गया था, लेकिन ये कि हाउसिंग बहरान से निमटने पर उनकी तवज्जो कसाफत पर होगी, फैलने पर नहीं। एक इंटरव्यू में शॉन फ्रेज़र का कहना था कि हमने खास तौर पर इस तनाज़े को हल नहीं किया जो खबरों में रहा है, लेकिन फिलहाल मेरी तवज्जो वफाकी हिमायत पर है, जिसे हम मज़ीद वसी वरीज शहर बनाकर नहीं बल्कि काबिल रिहाइश कम्युनिटीज़ को कसाफत और तामीर करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे कबल ऑन्टेरियो के हाउसिंग मिनिस्टर स्टीव क्लार्क ने इस्तीफ़ा देने के मुतालबात को मुस्तरद कर दिया, जब एक सख्त रिपोर्ट में पता चला कि उसने ग्रीन बेल्ट से ज़मीन निकालते वक्त अखलाकियात के असूलों की खिलाफ वर्जी की। इसके बजाय क्लार्क ने कहा, मुझे अफसोस है कि हमने बेहतर काम नहीं किया। अगरचे शॉन फ्रेज़र ने सूबे पर तनकीद नहीं की, लेकिन उन्होंने बार बार इस बात का आदा किया कि हाउसिंग के हवाले से अपने नुक्ते नज़र का मकसद बाहर के बजाय ऊपर की तरफ तामीर करना है। ग्रीन बेल्ट की ज़मीन पर 50,000 मकानात बनाने के सूबे के मनसूबे के बिल्कुल बरक्स है। जवाब में वज़ीर आला के दफ्तर के तर्जुमान ने कहा कि हुकूमत की पॉलिसियों में नए और मौजूदा दोनों मोहल्लों में कसाफत में इजाफा शामिल है। इस एक्ट की तरफ इशारा करते हुए जो ज्यादातर रिहायशी इमलाक पर 3 यूनिट तामीर करने की इजाज़त देता है। फ्रेज़र ने मजीद कहा कि वफाकी हुकूमत जो तावन मेज़ पर रखेगी, उसका मकसद वसीओ अरीज शहरों के बजाय इमारत की हौसला अफजाई करना है, जहां ट्रांजिट स्टेशन सहूलियात और खिदमात पहले से मौजूद हैं। फ्रेज़र ने कहा वो ग्रीन बेल्ट के तरक्याती मनसूबों को सूबे के हाथ में छोड़ देंगे। चीन के सदर शी जिनपिंग की जानिब से भारत में होने वाले G20 इजलास में शिरकत से माजरत पर अमरीकी सदर जो बाइडन ने मायूसी का इजहार किया है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। चीन के सदर शी जिनपिंग की जानिब से भारत में होने वाले G20 इजलास में शिरकत से माजरत पर अमरीकी सदर जो बाइडन ने मायूसी का इजहार किया है। एक बयान में अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा कि G20 इजलास में सदर शी जिनपिंग की शिरकत ना करने पर मुझे मायूसी है, लेकिन मैं फिर भी उनसे मिलूंगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत में मुनक़िद होने वाले G20 सरबराही इजलास में सदर शी जिनपिंग की मौजरत के बाद उनकी जगह वजीर आज़म ली क्वांग मुमकिन तौर पर अपने मुल्क की नुमाइंदगी करेंगे। ताहम सदर बाइडन ने इजलास में शिरकत पर गर्मजोशी का इजहार करते हुए कहा कि इंडिया और वियतनाम अमरीका के साथ करीबी ताल्लुकात की ख्वाहिश रखते हैं और दोनों भी मददगार साबित हो सकते हैं। दूसरी जानिब रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि वो नई दिल्ली में होने वाले G20 इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। रूसी सदर की जगह वजीर खारजा सरगेई लावरोव इजलास में शिरकत करेंगे। शी जिनपिंग और जो बाइडन की मुलाकात आखिरी बार इससे कबल गुज़िश्ता साल नवंबर में हुई थी, जहां दोनों ने इंडोनेशिया में होने वाले G20 सरबराही इजलास में शिरकत की।
वाज़ेह रहे कि दुनिया की 20 तरक्की याफ्ता और तेज़ी से तरक्की करने वाली मईशतों की तंजीम G20 का सरबराही इजलास 7 से 10 सितंबर तक भारत में मुनक़िद होने जा रहा है। रवां साल G20 की सदारत की जिम्मेदारी भारत को सौंपी गई है, जिसमें बड़ी मईशतों के सरबराहान मुमलिकत शिरकत करेंगे। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन को इस वक्त यूक्रेन के साथ तुर्किया और अक़वामे मुत्तहिदा की सालिसी में किए गए अनाज के मुआहदे को बहाल करने के आलमी दबाव का सामना है, जिसके लिए आज उन्होंने अपने तुर्क हम मनसब से सूची में मुलाकात की। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन को इस वक्त यूक्रेन के साथ तुर्किया और अक़वामे मुत्तहिदा की सालिसी में किए गए अनाज के मुआहदे को बहाल करने के आलमी दबाव का सामना है, जिसके लिए आज उन्होंने अपने तुर्क हम मनसब से सूची में मुलाकात की। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन मुलाकात में अनाज मुआहदे की तरसील पर रूस से किए गए वादों को पूरा ना होने का शिकवा करेंगे, जिसकी पासदारी तक उन्होंने मुआहदे की बहाली के इम्कान को मुस्तरद कर दिया था। आलमी खबर इस अदारे के मुताबिक तुर्किया के सदर तैयब अर्दोगान ने कहा, मुलाकात के बाद होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक अहम और तारीखी ऐलान करेंगे। अलावा अजीज रूसी सदर यूक्रेन जंग में उनके मुल्क के खिलाफ मगरबी ममालिक के इत्तेहाद और यूक्रेन को जंगी सामान फराहम करने के हवाले से भी अपने तहफ्फुज़ात से तुर्क सदर को आगाह करेंगे। दूसरी जानिब तुर्किया के सदर मुलाकात के किसी मुस्बत नतीजे पर पहुंचने के हवाले से काफ़ी पुरउम्मीद हैं। अक़वामे मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुतरेस ने भी मुआहदे की बहाली की ज़रूरत पर जोर दिया है। इस हवाले से रूसी सदर दफ्तर के तर्जुमान ने मजीद बताया कि तुर्क सदर ने इससे कबल भी यूक्रेन के साथ दुनिया भर को अनाज की महफूज तरसील के मुआहदे पर बरकरार रखने के लिए रूसी सदर पर काफ़ी जोर दिया था, और अब भी ये मामला दोनों रहनुमाओं के दरमियान जेर बहस आएगा। याद रहे कि यूक्रेन से दुनिया भर को अनाज फरोख किए जाते हैं, लेकिन रूस से जंग के 22 फरवरी 2022 से ये सिलसिला मअत्तल था और दुनिया में अनाज की किल्लत हो गई थी, जिस पर तुर्किया और अक़वामे मुत्तहिदा की सालिसी में अनाज की तरसील का मुआहदा जुलाई 2022 में तय पाया था। इस मुआहदे के नतीजे में 1 अगस्त 2022 को रूस जंग के बाद यूक्रेन से अनाज की पहली खेप रवाना हुई थी, ताहम रूस एक साल बाद जुलाई 2023 में इस मुआहदे से दस्तबरदार हो गया था। अक़वामे मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के बयान की तायीद करते हुए तुर्की के वज़ीर ख़ारजा का भी कहना था कि अनाज मुआहदे की बहाली दुनिया के लिए इंतहाई ज़रूरी और अहम है। रूस के यूक्रेन के साथ अनाज मुआहदे से दस्तबरदारी के बाद से अमरीका में अचानक गंदम की कीमतों में बड़ा इजाफा हो गया और आलमी सतह पर इस मुआहदे की बहाली पर दबाव में इजाफा हुआ। टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैग टीवी।